35 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के आगे सोमवार को पूरा डोडा शहर शटडाउन रहा। सोमवार को डोडा शहर में पूर्ण शटडाउन के बीच विरोध प्रदर्शन जारी रहा। आसपास के क्षेत्रों सहित डोडा शहर में बाजार बंद हैं। सड़कों से यातायात बंद होने पर स्कूल, कॉलेज और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस डोडा ने पूर्व गृह मंत्री और जिला अध्यक्ष खालिद नजीब सोहरावर्दी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। अपने भाषण में खालिद नजीब सोहरावर्दी ने कहा कि 3570 हमारी संपत्ति है। यह जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की रक्षा करने के लिए मुख्य जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, कोई भी 35A के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता है तो जम्मू कश्मीर के लोग अपने खून के साथ 35A की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। एनसी ने चेतावनी दी है कि राज्य में विशेष कानून को कम करने के किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे एकजुट हो जाएं और राजनीतिक मतभेदों को अलग रखें। कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई चारा न रहे, वो तमाम हदें फरांग दें। आज आप देख रहे हो पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में कोई पीछे नहीं रहा। ये दूसरे लोगों से मैं समझाना चाहता हूँ, इवन यहाँ की बीजेपी को भी। ये जो हमारे जम्मू में बीजेपी के भाई हैं, यहाँ है बीजेपी के भाई, उनको शायद पता नहीं है कि जब ये खत्म होगा कितना नुकसान होगा राष्ट्रीय कश्मीर में। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का होगा, जब तुम समझोगे वक्त बहुत गुजर चुका होगा। जब तुम समझ जाओगे, तब तुम समझ जाओगे हमने क्या किया, लेकिन फिर पछताने का भी हमको मौका नहीं है। मेरा ये पैगाम है कि जब ये 35A का ड्राफ्ट हुआ, दफा 370 का ड्राफ्ट, तो इसको बनाने के लिए इस रियासत के बहुत बड़े बड़े मायानाज सियासतदान ने कुर्बानियां दी और कुछ सोच के बनाया। अब बदकिस्मती ये है कि जो आज का जो ये दावा करते हैं सेकुलर इंडिया का, ये सेकुलर इंडिया नहीं, ये फैनेटिक इंडिया वालों ने आज ये सोचा चलाया कि हम 335 को ख़त्म करेंगे या 370 को तोड़ेंगे। मुझे समझ नहीं आती है, जिस वक्त ये बना 1950 में जब ये बना, उस वक्त के जो मायानाज बड़े बड़े लीडर थे, भीमराव अंबेडकर जैसे लोग थे, पंडित नेहरू जैसे लोग थे, महात्मा गांधी जैसे लोग थे, जब उस वक्त इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको बनाने की जरूरत पड़ी, आज इस वक्त मोदी राज में इसको तोड़ने की क्या ज़रूरत है? ये बड़ी बदकिस्मती। और मैं बहिश्ते डिस्ट्रिक्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सबसे पहला इसका नुकसान जो होगा जवानों पे होगा, उनकी तालीम पे होगा, उनकी नौकरियों पे होगा, उनके बिजनेसेस पे होगा, उससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती। डोडा से आबिद वानी, ऑल इंडिया न्यूज़।